इसमें लो। ये पूरा मटके में बनता है अंबाड़ी। हाँ। अब ये जो वनस्पति है इसको आप मटके के अंदर डालेंगे। हाँ हाँ बोलते जाओ। अंदर से इसको कवर कर देंगे। हाँ, इसको अंदर से बराबर कलर हो लगाएंगे। अच्छा, और हाँ। इसमें पूरा ये जो अंबाड़ियों के सारे वेजिटेबल्स हैं जिसमें कुक होंगे। हाँ, मेन फ्लेवर इसी से पकड़ते हैं अंबाड़ियों का। ये सिर्फ सर्दी में ही आता है ये वनस्पति? हाँ, यही महीने में। यही महीने में, मतलब विंटर में, विंटर सीजन में। होली तक चलता है। होली तक ये आपको मिलेगा अंबाड़ी। हाँ, और सर्दी के मौसम में बहुत खाते लोग यहाँ पे। हाँ, ये देखिए ये पत्ते सारे अंदर जाएंगे। ये माटला भी तैयार हो गया। ये माटला तैयार हो गया। ये हाँ। मटका जो है ये रेडी हो चुका है। हाँ, रेडी हो चुका है। इसके अंदर क्या जाएगा अंकल जी? इसके अंदर जाएगा बटाका, पापड़ी, शक्करिया, कल। अच्छा, सब मिक्स करके उबाड़ियों का मसाला पूरा रेडी हो रहा है। रेडी, रेडी। और बता दीजिए क्या क्या वेजिटेबल आएंगे इसमें? ये पहला पापड़ी आएगा। पापड़ी है। हाँ। और क्या क्या है एक बार पहले बता दीजिए कौन से? पापड़ी है, ये रतालू कन, ये रतालू है, और ये बटाका आलू है, आलू है, और ये शक्करिया, ये शक्करिया है। और क्या क्या, ये कौन सी चटनी? ये ग्रीन चटनी है, पापड़ी में मिक्स होता है। ये पापड़ी में मिक्स होगा। हाँ। और ये ग्रीन चटनी है, बटाके के अंदर भरा जाएगा, आलू के अंदर। हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये गई पापड़ी। ये अभी मैं 10 किलो बनाने जा रहा हूँ। 10 किलो बड़ी बनने वाला है। पापड़ी हो गया। अभी इसका ये पापड़ी का चटनी। पापड़ी का चटनी आ गया। इसमें इसके सब ये हजमा दिखाइए जरा। हजमा, हजमा। हाँ, और ये धनिया पाउडर। और ये गरम मसाला। और ये हल्दी। अब ये नमक। इसमें आएंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, ये कौन सा ऑयल है? तिरुपति, मतलब सिंक का तेल है। अभी तो यही यूज कर रहे हैं, सिंक तेल। इसको हाँ मिक्स करेंगे। ये आलू को काट के आप मतलब चटनी चटनी स्टफ करेंगे। हाँ, कम से कम 2.5 किलो आलू जाएगा इसमें। 2.5 किलो जाएगा।
बटक्का हो गया अभी। हाँ। अभी जाएगा ये कंद, रतालू कंद। कंद रतालू पहले अभी थोड़ा मिक्स होगा ये सब। ये भर के रेडी, अब इसका मुंह बंद करेंगे। ये भर के रेडी, ये भर के रेडी, अब इसको जलाएंगे। अब इसको जलाएंगे। Thank you.
जाएगी आप इसमें लो, खड़े हो जाइए बता दो बस हो जाए बोलो। सब एक एक आइटम थोड़ी कम रेडी सो गाइस फाइनली आ गया है हमारा उम्बाड़ियू और हम स्पेशली 5 घंटा ट्रैवल करके मुंबई से नवसारी आए हैं ओम साई का उम्बाड़ियू ट्राई करने के लिए। काफ़ी नाम सुना है इनका और ये देखिए एकदम पाइपिंग हॉट सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो चलिए ट्राई करते हैं इनका उम्बाड़ियू रतालू ट्राई करते हैं। स्मोकी टेस्ट है, रतालू की स्वीटनेस है, चटनी हल्की सी स्पाइसी है बट काफ़ी स्वादिष्ट है। तो बिल्कुल आइए नवसारी में ओम साई उम्बाड़ियू पे और ट्राई करिए इनका ऑथेंटिक ट्रेडिशनल उम्बाड़ियू।